अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टडी इन यूरोप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है बाबर अली। आज जो से हम वीडियो पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है रशिया, जो शेयर्ड वीज़ा वैल्यू वीज़ा भी कहा जाता है, शेयर्ड वैल्यू वीज़ा भी कहा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भूचाल मचा हुआ है कि रशिया ने जो से वीज़े ओपन कर दिए हैं, जो कि अपने कंट्री से तंग है या अपनी गवर्नमेंट से तंग है या लिबरल्स हैं, नॉन लिबरल्स हैं, जो भी हैं, जो कि अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहते, उनके लिए रशिया ने वीज़े ओपन कर दिए हैं। तो इसका ये है कि इसके आपको एम्बेसी को एक जो सी ना एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसके बिहाव पे आपका जो सा है वीज़े की एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड की जाएगी। लेकिन आपको बीच में स्ट्रॉन्ग जो सी है ना वो कोज भी लगानी है कि इस वजह से मैं तंग हूँ या ये मेरे साथ मसला है इस कंट्री में, देन देयर फॉर मैं इस कंट्री को लीव करके आपकी कंट्री में आना चाह रहा हूँ। लेकिन इसकी एक अहम इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 1 सितंबर को इनकी जो सी है तकरीबन न्यूज़ आएगी कि कौन कौन सी कंट्री को इन्होंने ऐड किया इस वीज़े में। अभी से रशियन सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उसने सिर्फ साइन किया है कि ये आपने शेयर्ड वैल्यू वीज़ा या शेयर वैल्यू वीज़ा दोनों नाम यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो ये आप ओपन करें। इसमें ना तो कोई जो सी रशियन लैंग्वेज की ना रशियन जो सी हिस्ट्री की ज़रूरत है। तो ये है कि ये इसकी जो सी वेबसाइट पर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट ज़रूरत है ज़रूरियात हैं, लेकिन बताने का वीडियो में बताने का मकसद यह है कि इसका 1 सितंबर से जो से है ना कंट्रीज़ का पता चलेगा। अभी कोई भी कंसल्टेंट या ट्रैवल एजेंट आपको कहता है तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि अभी तो कंट्री डिसाइड ही नहीं की रशिया ने। बाकी आपको मैं उनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ, जो कि न्यूज़ है उसमें क्या एक्सेप्शन है, क्या जो से है रिक्वायरमेंट है, वो आपको वीडियो पर मैं आगे जाके बताता हूँ। जी, आपने डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाना है, तो ये आप ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज, रशिया इंट्रोड्यूस शेयर्ड वैल्यू वीज़ा, इसका SPV भी है। नीचे SPV आएगा तो आपने समझ जाना है कि शेयर्ड वैल्यू वीज़े का नाम लिया जा रहा है। फॉर फॉरनर रशिया न्यू वीज़ा पॉलिसी, ठीक है, इसको आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है, अब ये स्किप नहीं होगा। स्टार्टिंग वीज़ा ये है कि ट्रैकिंग फॉरनर फू आर कंट्री था, यानी कि उसने ये कहा हुआ कि ये विजिटर जो सा अट्रैक्ट करता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, देख प्रोग्राम कार्ड शेयर वैल्यू वीज़ा है, विल अलो इंडिविजुअल टू अप्लाई फॉर रेजिडेंसी विदाउट नीडिंग टू पास रशियन लैंग्वेज हिस्ट्री एग्जाम। जब वो ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम उनको है जो कि ट्रेडिशनल को पसंद करते हैं, यानी कि उन जिनके मुल्कों में ये मसला मसाला है, क्योंकि वो LGBT वगैरह लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती हैं, इस तरह के काफ़ी कानून पास हो रहे हैं जिनको कुछ लोग पसंद नहीं करते, या जिनको पॉलिटिकल का मसला है वो असाइलम का करते हैं, और कुछ को वैसी थ्रेट होता है अपनी जान का तो वो लोग इधर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका है कि आपने एम्बेसी में अपनी पहले एप्लीकेशन देनी है, वो एम्बेसी आपको मॉनिटर करेगी फिर आपको वीज़ा दे देगी। अच्छा, तो ये वो चीज़ है, इसमें हर कोई इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। अच्छा, ये डेक्री है, डेक्री के आप क्लिक करेंगे तो रशियन लैंग्वेज में आपके पास फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने 19 अगस्त को ये मंडे वाले दिन ये जो सा है मेमो साइन किया, ठीक है। इसके की फीचर क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या एग्जेप्शन है। एग्जेप्शन फ्रॉम कोटा सिस्टम, एप्लीकेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेड नंबर ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट अवेलेबल ईच ईयर, यानी कि इनका एक सिस्टम है कि वहाँ पे आपको जो सा भी है एक साल बाद या दो साल बाद अपना न्यू रेजिडेंट यानी कि वीज़ा अपडेट करवाना पड़ता है, जिस तरह के हर मालिक में होता है, तो वो इस वीज़े में वो आपको निकलना पड़ेगा। नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं चाहिए इसको पास करने का, वैसे इनका है कि वैसे रशिया में ना एग्जाम पास करना पड़ता है उसका वीज़ा लेने के लिए। कंट्री एलिजिबल, द लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कंट्री हैज येट टू बी पब्लिश, ये 1 सितंबर को, जो कि मैंने स्टार्ट वीडियो में कहा है कि 1 सितंबर को लॉन्च होगी, वो वाली बात है। फोकस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यू, यानी कि उनका फोकस किया जाएगा कि वो जो उनसे अपने आबाव जदाद की वैल्यू यानी कि ट्रेडिशन को लेके जा सकते हैं, जिससे रशिया जो से है उसको कोई नुकसान ना हो। एप्लीकेंट मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेट दैट दे आर रिलोकेटिंग टू रशिया ड्यू टू डिसएग्रीमेंट विद देयर होम कंट्री पॉलिसीज, पार्टिकली दोज दैट कंफ्लिक्ट विद रशियन ट्रेडिशनल वैल्यू। ये मैंने जो सा ऊपर में बताया कि जो कि अपने मुल्क की कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी वेव आई हुई है महंगाई की, तो वो चीज़ें हैं कि वो जो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इससे सेटिस्फाई
तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी लिस्ट आएगी तो उसमें ये कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान होगा कि नहीं होगा, तो सर सिर्फ आपको 1 सितंबर का इंतज़ार करना है, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जो से कंट्री के लिस्ट में नाम आएगा। तो क्वालिफाई, इसको क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेंट मस्ट पासपोर्ट ऑफ रशिया ट्रेडिशनल वैल्यू। ये आपने अप्लाई करने से पहले आपने इनकी रशिया की ना ट्रेडिशंस को ना चेक कर लेना है और इनको स्टडी भी कर लेना है, यानी कि 1 महीना आप इनकी ट्रेडिशन को स्टडी करें 1 सितंबर से आपने, यानी कि 2-3 दिन इनकी स्टडी करना है, और जैसे ही सितंबर में लिस्ट की कंट्री आनी है तो आपने अपनी कंट्री देख के अप्लाई कर देना है। आप उनकी ट्रेडिशंस के कुछ पॉइंट हाईलाइट करेंगे तो देन आपके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा अप्रूव होने के। विच डिग्री डिफाइज एज द लाइफ ऑफ डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स, फैमिली, स्पिरिचुअल ओवर मटेरियलिज्म। रूमर्स आर फ्लोटिंग दैट द वीज़ा इज फॉर द सिटीजन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रीज, बट एज मेंशन दीज आर द रूमर्स ओनली। ये जो से रूमर्स फ्लोटिंग कर रहे हैं वीज़ा सिटीजन है स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो वो वैसे ही यानी कि फेक न्यूज़ है, वो ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया भी होगा इसमें, ये जो से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन कंफर्म फिर भी नहीं है। दीज आर द रूमर्स ओनली, फाइनल लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कंट्री इज नॉट डिसाइडेड बाय द रशियन अथॉरिटी, अभी नहीं किया, इधर पास टू रशिया है, ये चीज़ है। और अल्टरनेटिव वीज़ा, गोल्डन वीज़ा भी है इनके पास, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है।